लूटन घूसन का यह बहार, लूटन घूसन का यह बहार दुइना कई दुनिया सटही है। ऊपर से कुर्ता लकव लक नीचे बनियाइन, ऊपर से कुर्ता लकव लक नीचे बनियाइन। अब हमका बात तुमका लात, खाओ खूब गुड़ सतुआ भात, हो गया छक्का राज दुलारा झंडा ऊंचा। नमस्ते प्रणाम जय सिया राम, हम हैं आपके दोस्त भानु भैया और आप समय देख रहे हैं आपन मन पसंद अवधि चैनल अवधि वाणी। आज हमारे सबके बहुत सौभाग्य के दिन है और हमारे चैनल के लिए बड़े सौभाग्य के दिन है कि हम सब है अयोध्या के सैमसी गांव में आए हैं और हमारे साथ संत महात्मा और कई कविगण जुड़े हैं। तो आज के एपिसोड हम आप सबके बीच में लेके आ रहे हैं अवधि वाणी पर विशेष कार्यक्रम अवधि गोष्ठी, संत समाज के कुछ विचार, कोरोना से बचे खातिर कुछ संदेश। तो बिना देर के हुए आवा जुड़ा जाए अवधि वाणी के ई कार्यक्रम से और अपन प्यार मोहब्बत जोनी में बनावा जा रहा है और वीडियो का वही मेर यह वीडियो का बनावा जाए, आवा जुड़ा जाए यही कार्यक्रम से। आज बड़े सौभाग्य का विषय है कि हमारे सैमसी गांव में अवधि वाणी के तत्वाधान में एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ये हमारा सौभाग्य है, कवि गोष्ठी हो रही है जिसमें क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित हैं, विशेषकर हमारे गणमान्य संत प्रवर द्वय उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं इनके चरणों में प्रणाम करता हूं और साथ ही साथ विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती के चरणों में कुछ पंक्तियाँ वंदना स्वरूप अर्पित करता हूँ। कुंद इंदु सम धवल हार उर पर शोभित है, शुभ्र बसन से जिनका कोमल चित आवृत है, वीणा कावर दंड सदा जो कर में धारे, बैठी कमल पत्र पर जो कमलासन मारे, ब्रह्मा विष्णु महेश करते जिनकी वंदना, पातुमा महेश शारदे हर जड़ता का तम घना। मिली पतहिया भा सुख भारी, मली पतहिया भा सुख भारी, जैसा बड़कु काई महतारी, अब हमका बात तुहका लात, खाओ खूब गुड़ सतुआ भात, हो गया छक्का राज दुलारा झंडा ऊंचा। गाम जवाहर चढ़ी योजना, खटिया पर से करें गर्जना, सबका पक्का करें दुआर, मुला रहे प्रधान कुआर, सबका पक्का करें दुआर, मुला रहे प्रधान कुआर, पर उपकार चढ़ा परवान, लय भौजी भाग्य प्रधान, बिन मतलब कई भा बटुआरा झंडा ऊंचारा है। सबसे पहले अधिकारी का चाहिए अपने ऊपर देखे, अपने के बाद में फिर समाज का देखे, परिवार का देखे, धर्म का देखे, राजनीति का देखे। बड़कवा भाई है बड़ा पुलिस, बड़कवा भाई है बड़ा पुलिस, छोटकवा डकैती मां निकला, भगवान बनाएं यश जोड़ी, लोहिया घर में लोहिया जंगला, वही खुले आम डाका डारे, वही आड़िया बोटे छूल छोल लिए, अब वही डंडा मार बटवरत हैं, वही घर में हल्के बीन लिए। लूटन घूसन का यह बहार, लूटन घूसन का यह बहार, दुइना कई दुनिया सटही है। ऊपर से कुर्ता लकव लक नीचे बनियाइन, ऊपर से कुर्ता लकव लक नीचे बनियाइन। अब देखो हमार सब के संस्कृत का रही, सब परवाहन छूट गया, हाथी घोड़ा सब लुप्त हो गए, पहले का रहा, अब पेट्रोल कितना महंग होगा, और भैया गदहा चरा करत रहा, वही पे सब ही चढ़ा करत रहा। तो हर एक सवारी जोन है खतरहिल है, मोटरसाइकिल से जाओ तो हाथ गोड़ भैया मूंज हो जाए, कहो यको तूल लियो, तो यह से मोटरसाइकिल बहुत ही खराब, कहा थी मौत गाड़ी आए। और देहात के लिए तो अब का बताई, नए नए लौंडा है ऐठ दिन तो हो जा रहे हैं। तो हम तो यह कहे थे कि यह से बढ़िया
तो सारी सवारी माही खतरा गदहा कै सवारी जमाई मोर भैया और सारी सवारी माही खतरा गदहा कै सवारी जमाई मोर भैया और छांद और बांध लगाम नहीं नहीं भागता है गदही केरा छैया और सरकारी भी टैक्स नहीं वही पै क्यों दरोगा रोके ना चाहे जहाँ लेके चले जाओ सरकारी भी टैक्स नहीं वही पै जरा याद रहा नहीं खर्चा रुपया अब अपन गोड़ सिकुरे रहो खूब निक के हे गदहा के चढ़ैया अपन गोड़ सिकुरे रहो खूब निक के हे गदहा के चढ़ैया। आज हम आपका कुछ है गिने चुने मुक्तक जो है हम आपके सामने प्रस्तुत करी थे। भैया देखो अगर आलू ना रहा तो इज्जत गई, आलू अगर घर में ना हो तो इज्जत ना ही ना, तो लेकिन क्या है छोला मत देखा समोसा मत देखा और टिकिया मत देखा तुहार है कहानी और छोला मत देखा समोसा मत देखा और टिकिया मत देखा तुहार है कहानी और यही घर आया पबीरा जब नाही हुआ सब है बड़ी हाई रानी और पूड़ी के साथ निवर्ता चलते हैं और पूड़ी के साथ कचौड़ी के बीच है तुम्हारी है माया बड़ी लासानी और देश कई इज्जत राखे यहो तू सयानी बड़ी आलू महारानी देश कई इज्जत। और भैया लेकिन कब्बो कब्बो वह से मिलावट से स्वाद बदला करत है, स्वाद यश बदला करत है कि आलू के साथ मेथौरी मिलाओ आलू के साथ मेथौरी मिलाओ पै स्वाद रहा मूल गड़ई जैसे कांटा और गोभी मिलाओ टका बनी कै बनी है गली कै हो जाता है पेट मचहटा और जो महंगी कै भाव सब भाई बिकेगा भैया महंगी के भाव सब बिकेगा तब काब कर भाई गेहूँ का आटा और यार मजा तब आवत है जब आलू के बीच में कूदत है भाटा यार मजा तब आवत है जब आलू के बीच में कूदत है भाटा। अब अपने यहाँ के जोन कविता है गीत है वह गीत पर क्यों ध्यान नहीं दे रहा है चाहे सावन हुए चाहे कजरी हुए सबके गीत अलग अलग है और गीत कहीं एक बाहर हुए तो गीत तो गावे लागो कहो चुकबे न कह रहे कहो बनते ही चला जाए जैसे एक तुम्हें हम कजरी सुना दिया। हाँ सुनो भैया अब की सावन मास सढ़ुआइन हमका घरे बोलाइन ना अब की सावन मास सढ़ुआइन हमका घरे बोलाइन ना अरे हमका खवाइन पूड़ी कचौड़ी हमका खवाइन पूड़ी कचौड़ी और साढ़ू का सतुआ पियाइन ना अब की सावन मास सढ़ुआइन हमका घरे बोलाइन ना हमका बिछाइन दरी गलीचा हमका बिछाइन दरी गलीचा अरे साढ़ू का कथरी बढ़ाइन ना हमका सावन मा सड़वाइन हमका घरे बोलाइन ना हमका खवाइन लौंगाई लैची हमका खवाइन लौंगाई लैची और साढ़ू का दारू पियाइन ना बकी सावन मास सढ़ुआइन हमका घरे बोलाइन ना तू कुरौना
लैके ना तू कुरौना लैके ना अभिजनी आया पिया पुरौना तू कुरौना लैके ना अभिजनी आया पिया पुरौना तू कुरौना लैके ना जब सरकार बनाए साधन तब ही तू घर आइहा जब सरकार बनाए साधन तब ही तू घर आइहा और फोखट मा राशन हम पाई हिया आय का करिहा फोकट मा राशन हम पाई हिया आय का करिहा हमारी अब सुधिया बिसरौना तू कुरौना लैके ना अब जनी आया पिया पुरौना तू कुरौना लैके ना अगला मुक्त देखिए अब मुहमा मास्क लगाई बलमवा सदा काम पर जा जइहा मुहमा मास्क लगाई बलमवा सदा काम पर जइहा अपने हाथ बनाए के खाना ताजा ताजा खइहा अपने हाथ बनाए के खाना ताजा ताजा खइहा सबसे अलग बिलग तो रहना तू कुरौना लैके ना अब जनी आया पिया पुरौना तू कुरौना लैके ना साबुन से तुम हाथ धोए के मुहमा हाथ लगइहा साबुन से खूब हाथ धोए के मुहमा हाथ लगइहा और काहा अपने हाथ बना के सास सवेरे पीहा और काढ़ा अपने हाथ बना के सांझ सवेरे पीहा बिन मतलब बात न करना तू कुरौना लैके ना अब जनी आया पिया पुरौना तू कुरौना लैके ना छल छबीली देख के नारी नैन कबहू लड़ैया छल छबीली देख के नारी नयन न कबहू लड़ैया और छुआछूत के यह निगरानी छुआछूत के यह बीमारी बिन मतलब तू पइहा छुआछूत के यह बीमारी बिन मतलब तू पइहा करिहा राम कृष्ण कै ध्यानमा कहिहा राम कृष्ण कै ध्यानमा पिया प्यूर तू कुरौना लैके ना अब जनी आया पिया पुरौना तू कुरौना लैके ना अब जनी आया भैया अब समय ऐसी है कि अपने का अपने परिवार का अपने स्वास्थ्य का बचावे की जरूरत ही है यह के बदे कुछ कविता का पंक्ति आपके सामने हम रखित है वहमा हो सके तो बचाव के लिए ये बहुत जरूरी है कि स्वदेशी चीज का जोन है अपने यहाँ घर में लाओ वह का प्रयोग करो और जोन विदेशी है वह का तो छोड़ दियो और ऐसा करो कि जवन सुख पर्यावरण अपने देहात में है वह के सदउपयोग करो तो जानो जीवन आपन सही चले काहे से कि यानी बीमारी के दौर चल रहा है यह मा बहुत समस्या है थोड़ा आप देखें समोसा कई करो भरोसा ना अच्छा समोसा कई करो भरोसा ना और ना डोसा के फरियाद करो जो बचा चाहो तुम रोगन ते बेझरी के रोटी याद करो जो बचा चाहो तुम रोगन ते बेझरी के रोटी याद करो रसगुल्ला माँ बुलबुल्ला
रसगुल्ला माँ बुलबुल्ला है, रस भरी जलेबी का छोड़ दियो और सब मिक्सचर माल मसाला ताज हाथे से भेली फुअर दिया। ताजा ताजा गन्ना चूसो, ताजा ताजा गन्ना चूसो और गुलगुला घरिया छौकाई रहो और सहिजन पकड़िया टेसू सब्जी सब समय समय पर खाए रहो। और भैया यह दाल मोट कई माँ बड़ा खोट, यही से तो भला चबैना है। ई दाल मोट माँ बड़ा खोट, यही से तो भला चबैना है। ई कचर बचर कई सब खाना सब स्वास्थ्य के लिए खिलौना है। डालडा माँ तला नमक पारा, डालडा माँ तला नमक पारा, यह से तो अच्छी मूंगफली और ब्रांडी अल्कोहल ईयर बियर, यही ते तो मऊहा का चा भली। जो सुख चाहो अब दही का मुहमा तू मास्क लगा लियो, जो सुख चाहो अब दही का मुहमा तुम मास्क लगा लियो, जब घर से निकलो तुम बाहर 2 मीटर दूरी बना लियो। ना हाथ मिलाऊ केहू से, ना हाथ मिलाऊ केहू से और दूरिन ते राम जुहार करो, और जो तनिक मोहब्बत कुछ लागे, जो तनिक मोहब्बत कुछ जागे, गाय भैंसी से प्यार करो। जब कछुक मोहब्बत कुछ जागे, गाय भैंसी से प्यार करो। जब गाय तुम्हारी माता है तो आपन महतारी ना छोड़ो, जो बाप पिता अन्नदाता है तो अपने बाप का ना छोड़ो। जो जानो हमें जोखाम भवा, जो जानो हमें जोखाम भवा, तो चाय भाई तुम छोड़ दियो। तुलसी के पाती अदरक गुड़ लसवड़ा जरा को सियल लियो, और नीमी पर कई जो गुर्च मिले भटकटैया कई जड़ चुटकी भर नमक लियो, और 2 लोटा पानी माँ डारो और हल्की आँची पर चुरा लियो। जब आधा पानी रह जावे चूल्हा से वही का उतार दियो। ई काढ़ा दिनमा 3 बार, ई काढ़ा दिनमा 3 बार जे चाय बराबर पी जाए है तो सर्दी जोखाम कोरोना सब वही की दही से हट जाई है। अतनियों पर राहत जाऊ नाही भैया, अतनियों पर राहत जाऊ नाही, डॉक्टर से जाय सलाह लियो। मूल मास्क लगाए रहो भाई, ई बात हमार तू मान लियो। तुम चना बवाऊ ख्यातन मा, तुम चना बवाऊ ख्यातन मा, बांदर यस रुआ चबात रहाओ। और जो साग पात वहिमा उपजे तो बनाए के वही बनाए खाए गरमात रहाओ। तुम राम कृष्ण का ध्यान करो, तुम राम कृष्ण का ध्यान करो, संयम से जियो जिंदगी भर। तुम राम कृष्ण का ध्यान करो, संयम से जियो जिंदगी भर। तुम पास को तुरे पास कोरोना ना आए, जो आए तो जाए सगरो मारी। सैनिटाइजर से हाथ धुलो, ना मिले तो साबुन ही अच्छा। ये पता नहीं कहाँ चपका हुए ई भाई कोरोना का गुच्छा। आखिरी पंक्ति है, अब आए जो आवे क्यों नात बात, सैनिटाइजर से सत्कार करो और उड़हरी मेहरारू की नाई तुम रोग पैना विश्वास करो। उड़हरी मेहरारू की नाई तू रोग पैना विश्वास करो। अब जौन है वाणी का यही जगह विराम दे थे। उपस्थित बंधुओं महानुभावों, कोरोना के समय चल रहा है, कोरोना के ऊपर
अभी कल शाम को ही मैंने 5 छंद लिखा है सवैया छंद में, और सवैया छंद में 4 तो कोरोना के विषय में है और आखिरी में समाधान है समस्या का, प्रस्तुत है आपके सामने। दुख कै सगरा दुख दाई बड़ो, दुख कै खिचड़ी नित पकावे कोरोना। चोर बड़ो रोज चोरी करे, चोर बड़ो रोज चोरी करे, घर मा दबे पावन आवे कोरोना। बहाना बनावे जुकामन कै, ओ सहारा बुखार कै लेवे कोरोना। और लड़का सगियान बूढ़ौनन के, लड़का सगियान बूढ़ौनन के, नाक में दम कर देवे कोरोना। लड़का बूढ़ोवन की जिंदगी माँ, कोरोना के खतरा बहुत बड़ो है। COVID-19 नाम पढ़ो, COVID-19 नाम पढ़ो, अब दिमागो कोरोना के बहुत चढ़ो है। दुनिया माँ पाँव पसार लयो, चाहूँ और कोरोना के माया रचो है। और काव्य कही कर तू तो कोरोना के, काव्य कही कर तू तो कोरोना के, सबकी जिंदगानी सबकी जिंदगानी में ग्रहण लग्यो है। दुनिया बा बड़ी अब देश बड़ो, कोविडा अब नाच नचावत है। मनैन जब आवत देख पड़े, तो काल महाजिमी आवत है। हरदम में सब का जान पड़े, कि हमका मुँह बाई के खावत है। पंकज कर तू तो कोरोना के कातिल, पंकज कर तू तो कोरोना के कातिल, मुँह बाई के मन इनका खावत है। और अंत में जो है इसका समाधान क्या है वो हमने लिखा है। मुँह माँ तुम मास्क लगाए रखो, तो गज की दूरी बनाओ तुम भैया। दिन माँ 10-12 हाथ मलो, काढ़ा भी पीते रहो तुम भैया। चौकन्ना रहें, योगा करें, और मेरी शुभकामना है कि ये दुनिया की महामारी जल्दी ही दुनिया से चली जाए, केवल भारतवर्ष से ही नहीं। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। देवचंद्र जी को दर्श दियो, जो है पूर्ण रूप, तारतम्य को तत् कहो हृदय बैठ स्वरूप। प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सोहनाम, तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम करूं सब साथ को जो कोई देश विदेश, राह बाट में जो मिले ताको दियो संदेश, ताको दियो संदेश। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। मोह सकल व्याधिन कर मूला, अजिन तेहिया उपजे बहुशूला। मोह के कारण परिवार के सदस्यों में हमारे मोदी सरकार का आदेश रहा कि सभी लोग अलग अलग रहें, किसी के साथ किसी प्रकार का संबंध न जोड़ के रखें, कोरोना कुछ नहीं कर सकेगा। कई प्रकार से हमको संदेशा मिल रहा है, कवियों का, संतों का, भक्तों का, सरकार का, अधिकारी कर्मचारी सबका संदेशा मिल रहा है कि सब लोग अलग अलग रहें, कम से कम 2 मीटर की दूर पर रहें। लेकिन हम ममता के कारण परिवार को अपना बना लेते हैं, बेटा बेटी परिवार, माता पिता गुरु सबको हम अपना बना लेते हैं, जिसके कारण यह बीमारी नहीं जा रही है। बाकी कोई परेशानी की बात नहीं है। अभी आपने महाराज जी के द्वारा सुना कि छुआछूत की बीमारी है। छुआछूत की बीमारी का मतलब कि आप किसी से संपर्क न रखें, दूर रखें, दूर रहें तो आपका जीवन सुरक्षित रहेगा। कल युग देखा ज्ञान अचंभा, कल युग देखा ज्ञान अचंभा। कैसे कहते हैं, गावत पढ़त सुनत फलनी के, गावत गुनत पढ़त फलनी के, अरे समुझत नहीं मत अंधा, कल युग देखा ज्ञान अचंभा। अचंभा ज्ञान यही है कि कहते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते।
अमल करें तो भैया ने जैसे कहा कि हमारी अवधी भाषा लुप्त होती जा रही है, तो अवधी भाषा के कुछ शब्द अपने हृदय में रखने चाहिए। जो सांसारिक व्यवहारिक विचार हैं उनको अपने हृदय में रखो। सुंदर विचार, सुंदर व्यवहार, सुंदर भावना के साथ जीवन हमारा रहेगा तो हम अवश्य ही मधुरता को प्राप्त होंगे, मीठे हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे और हमारा जीवन मधुर रहेगा। इसी के साथ परमात्मा की दया सबके ऊपर, सुंदरता कृपा बनी रहे, सुंदर विचार, सुंदर व्यवहार सबके हृदय में जागृत हो और हमारा यह अवध प्रांत मंगलमय हो, सुख शांति समृद्धि के साथ हो। इसी के साथ बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आज हमारे सबके साथ में ई गोष्ठी में जुड़े हैं श्री रामकृष्ण मिश्र जी, श्री राम बहादुर मिश्र जी, श्री संत श्री भगवानंद दास जी महाराज, संत श्री सुरेश दत्त मिश्र कथावाचक, संत श्री आशीष मिश्र जी सिंघनी सुल्तानपुर से, श्री राज बहादुर सिंह जी सैमसी से, उनका विशेष आशीर्वाद मिल रहा है, श्री सुदर्शन सिंह जी, श्री जवाहरलाल सिंह जी और श्री शिवराम शर्मा जी, आप सभी के आशीर्वाद और आप सभी के सहयोग से हम सब है या गोष्ठी का सफलतापूर्वक संपन्न करा पावा है। जैसा कि आप सब है सुने अभिन अवधि वाणी के विशेष कार्यक्रम में वरिष्ठ कवि अवधि में अपन परचम लहरा वाले दादा रामकृष्ण मिश्रा जी बड़ी मजेदार कविता सुनाइन, हमारा सबके बड़ा मनोरंजन कहन और उम्मीद है आप सबको कही नहीं है। वरिष्ठ कवि दादा राम बहादुर मिश्रा जी हमारे गुरु जी भी आए, उनके विशेष आशीर्वाद रहा, उनके बहुत अच्छे अच्छी कविताएं सामने रखा गया। अपन सवैया के माध्यम से अपन संदेश समाज में फैलाएं, समाज में बताएं कोरोना से कैसे बचा जाए वह के बारे में बताएं, और वह के साथ ही साथ संत महात्मा के जब आशीर्वाद हुआ है तो चाहे जौन कार्यक्रम किए जात है वह का सफल हुए का कोई रोकिन नहीं सकत, वह का तो 100% सफल हुए का है। तो हमारे ये कार्यक्रम के सफलता के सबसे पीछे सबसे बड़ा जो एक हाथ है और आशीर्वाद है वो संत महात्मा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो अपने मोबाइल स्क्रीन पर आप लोगों के आशीर्वाद मिला, और भी बहुत से दर्शक और बहुत से वक्ता लोगों के आशीर्वाद मिला। एक सफल कार्यक्रम के शुरुआत सफल है और यह के समापन भी सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यही के साथ है हम सब इजाजत लेते हैं आज के यही कवि गोष्ठी से, अवधि वाणी पर अपन प्यार मोहब्बत आशीर्वाद ऐसा बनाए रखा जाए। जय अवध, जय अवधि, जय जय सियाराम।